हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रातों रात मुंह की बदबू को नेचुरल तरीके से गायब कर देंगे ये घरेलू उपाय। तो आइए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिससे आपके मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाएंगी। हमारे मुंह से दुर्गंध आने लगती है तो हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं और हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपको अपने मुंह की दुर्गंध को कम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज करनी है और साथ में थोड़े थोड़े जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले टिप के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम इलायची, 10 ग्राम लौंग, 50 ग्राम सूखा पुदीना, 10 से 15 सूखी अमरूद की पत्तियाँ, 50 ग्राम तुलसी की सूखी पत्तियाँ, 50 ग्राम सूखा धनिया पीसा हुआ। अब आपको क्या करना है, इन सबको एक साथ लेनी है और मिक्सी के जार में डालकर इसको आपको पाउडर बना लेना है। याद रखें कि इसका पूरा पाउडर आपको नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखें। अब इसके बाद आपको इसे एक कंटेनर में डाल के रख लेना है और जब भी आप कुछ खाएं या पिएं किसी भी समय दिन में तो आप पानी से कुल्ला कर लें और माउथ फ्रेशनर के तौर पर आप इस पाउडर की आधी चम्मच अपने मुँह में रख लें। इसके बाद आपको एकदम से इसे चबाकर नहीं खाना है बल्कि इसे हल्के हल्के चूसना है। इसका रस हल्के हल्के चूसते जाइए और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छे माउथ फ्रेशनर का काम करेगा और आपके मुंह से दुर्गंध आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपको लेने हैं अनार के छिलके और इन्हें धूप में सुखा देना है। धूप में सुखा देने के बाद इनका पाउडर बना लीजिए और रात को सोते समय इसे पानी में मिलाकर इसका पेस्ट जैसा बनाकर अपने दांतों पर हल्की मसाज करके सो जाना है। इससे आप देखेंगे जो आपके मुंह की दुर्गंध है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि नमक में तेल मिलाकर इसे एक पेस्ट बना लें और आप इसमें तेल सरसों का ही इस्तेमाल करें। अब आप इस पेस्ट को अपने हाथों से हल्के हल्के हाथों से अपने दांतों पर मलें और इसके बाद कुल्ला करके सो जाएं। सुबह उठकर आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है जितना कि आप छू सकें और उसमें एक नींबू का रस और आधी चम्मच सोडा डालकर या फिर आप कोई एक चीज भी डाल सकते हैं, अभी नहीं डालकर गर्म पानी से आपको गरारे करने हैं। लगभग 5 से 6 गरारे करें और आप देखेंगे कि आपके मुंह से बदबू आनी बिल्कुल बंद सी हो जाती है। इसके साथ साथ आपको कुछ ध्यान रखना होता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अक्सर जब आप प्याज या लहसुन या चाय कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद मुंह में बहुत ज्यादा दुर्गंध आने लगती है, तो इसके लिए आपको जो मैंने अभी नुस्खा बताया था जो पाउडर वो आप यूज कर सकते हैं माउथ फ्रेशनर के तौर पर और हमेशा कुल्ला करते रहें। आप ग्रीन टी का सेवन ज्यादा करें और आपको अपने पेट का ख्याल जरूर रखना है। अपने डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल परफेक्ट रखना है। ऐसी चीजें खाएं जो आपको अच्छे से हजम हो जाए जिससे आपको कब्ज की समस्या ना हो। अगर आपको दांतों की समस्या जैसे पायरिया हो, मसूड़ों में सड़न हो या खून आ रहा है तो इसके लिए आप डेंटिस्ट से एक बार जरूर मिल लें। तो ये छोटे छोटे से उपाय है, कर लीजिए जिससे आपके मुंह की दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।